हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर के एक ऐसे दिग्गज काउंटर के बारे में जिसका नाम है आईटीसी। और इस पूरे ही काउंटर में जो ज़बरदस्त प्रदर्शन है हमेशा से ही रहा है, अगर आप पास्ट हिस्टोरिकल डेटा उठा कर देख लेंगे, फ्यूचर की डिमांड देखेंगे, तो अगर यू नो एक्सपर्ट्स की माने या डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि जो कंजम्पशन सेक्टर है वो इंडिया में आगे बूस्ट करने वाला, कंजम्पशन सेक्टर में इंडिया लीडर होने वाला है आने निकट भविष्य में। और आईटीसी कंजम्पशन सेक्टर का ही एक काउंटर है, एफएमसीजी सेक्टर में ये ट्रेड करता है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जनरली हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो इस काउंटर के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके लेबल्स बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फंडामेंटल्स पे जाएंगे। ये काउंटर खरीदने का जो बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा वो लगभग 250 से लेकर 260 की रेंज में रहने वाला है। अभी फिलहाल काउंटर 280 पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो यू नो अगर काउंटर की बात करें, इंडस्ट्री की पी की बात करें अगर एफएमसीजी की, तो लगभग 30 point something की इंडस्ट्री पी है, जबकि आईटीसी की जो इंडस्ट्री जो पी चल रही है वो लगभग 29 के आसपास है। सो यहाँ से पी में कंसोलिडेशन जरूर बनेगा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम तक ये काउंटर एक रेंज में ट्रेड करेगा। मंथली चार्ट पे लगभग 250 से लेके 320 की रेंज में एक ट्रेड कर रहा है ये काउंटर। और जब भी आपको ये काउंटर 250-245 की रेंज में मिलता है, देन आप उसको वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। और 320-325 के आसपास जाता है तब आपको उसको वहाँ पर टेक प्रॉफिट करके निकल सकते हैं, क्योंकि काउंटर अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर 250 टूटता है देन स्टॉप लॉस हिट हुआ और काउंटर में फिर हमको लगभग 230-220 तक के रेट भी देखने को मिल सकते हैं। बट एक बार 330 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है काउंटर में, देन हमें 360-380 के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव। अगर रेंज बाउंड रेंज को ट्रेड करता है पॉजिटिवली ऊपर की तरफ, सो डेफिनेटली काउंटर में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल जो बाइंग पोजीशन है 340-350 के आसपास आप लोग खरीदिएगा काउंटर को। आई थिंक 350 का टारगेट जो बहुत अच्छा रहेगा। 350 आप खरीदते हैं तो 250 पे आप खरीदते हैं तो आप 320 पे बेच सकते हैं, और वहाँ पे आपको लगभग 60-70 रुपये का मुनाफा मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इस काउंटर का बहुत बढ़िया है। ये काउंटर आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली रख सकते हैं अपने काउंटर के अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स को हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। इसका जो BSE कोड है 500875 ITC, इसका NSE का कोड है और सिगरेट सेक्टर में लिस्टेड है बेसिकली। बट इन्होंने अब टर्न अराउंड किया है और अपने सेगमेंट को चेंज कर दिया है। अब ये स्पेशलाइज्ड हो गए हैं FMCG सेक्टर में, और इसके कंपनी के डिटेल के बारे में भी हम लोग बताएंगे। बट सितंबर नंबर्स की बात कर लेते हैं पहले। 10,891 करोड़ का टोटल इनका टर्नओवर रहा है सितंबर 18 में, जबकि लास्ट सितंबर में 9,672 करोड़ का रहा था, यानी कि लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर इंक्रीज़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी इनका टर्नओवर लगभग 300 करोड़ के आसपास बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर पर लगभग 1,000 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने लगभग इंक्रीज़ किया, 9,676 से बढ़ाकर 10,890। उसके अलावा जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर सितंबर में लगभग 3,944 करोड़ का था, अब की बार 4,369 करोड़ का, लगभग 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी बढ़ा है इनका। जबकि अगर हम जून से बात करते हैं तो जून में लगभग 4,300 करोड़ का प्रॉफिट था और अब लगभग 70 करोड़ प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है इनका सितंबर क्वार्टर में। ओवरऑल बेसिक EPS भी 2.17 से बढ़कर 2.42 पहुंच गई है YoY पे। सो फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे हैं कंपनी के, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है, और जो डिमांड है इनके प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर। आप कस्टमर की नीड के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से ये लोग जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने बेसिक बताया। साथ ही साथ अगर मैं बात बताऊँगा, इसकी बुक वैल्यू लगभग 41 की है और आप फिलहाल ही अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है काउंटर। मैं अभी आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कितना ट्रेड कर रहा है ऊपर ही बुक वैल्यू से। ठीक है, अभी तकरीबन 40 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, तो लगभग 6-7 times के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा ये अभी फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। इसकी बुक वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीज जब होगा, जब ये जब बुक वैल्यू का जो रेंज होगा, PV रेशियो जो होगा वो जब तक ठीक नहीं होगा प्राइस टू बुक वैल्यू, तब तक ये एक रेंज में ट्रेड करेगा 240 से लेके 320 के बीच में। और उसमें अगले लगता मुझे लगता है कि दो तीन से चार महीने और लग सकते हैं काउंटर को इस लेवल इस रेंज में ट्रेड करते हुए। ROC बहुत अच्छा है, 34.21% का है ROE, 22.65
5% है, EPS भी बेटर है, 10 रुपीज़ के लगभग का EPS है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार है, 39% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, डेट इक्विटी रेशियो 0 है कंपनी का, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे तो अभी 1224 करोड़ शेयर्स जो है वो मार्केट में फिलहाल ट्रेड हो रहे हैं ITC के। इसके अलावा कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लोग ITC की पोर्टल पे चले जाएंगे, वहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल की कंपनी है, बट अमेजिंग कंपनी का जो टर्न अराउंड रहा है, जो कंपनी जिस तरह से अपने आप को डिवर्सिफाइड किया है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के बिजनेसेस, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG सेगमेंट सिगरेट सिगार्स फूड्स पर्सनल केयर्स एजुकेशन स्टेशनरी लाइफ, आप ITC की कॉपीज़ वगैरह बहुत सारी आती होंगी जो लोग जनरली बच्चे यूज़ करते होंगे आपके घरों में, लाइफ स्टाइल रिटेलिंग आशीर्वाद आटा वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड डार्क फैंटेसी की जो चॉकलेट्स आती हैं या जो केक्स आते हैं वो भी ITC ही बनाती है, सेफ्टी मैचेस एंड अगरबत्तीज वगैरह ITC, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स होटल्स, पेपर्स का भी आगे चल के जो स्पेशलिटी पेपर्स है उसकी डिमांड बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। पैकेजिंग होगी, एग्री बिजनेस हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हैंगे ग्रुप कंपनीज, इनकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कंपनीज भी हैं जो कि हम लोग आगे देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पहले FMCG सेक्टर में देखेंगे कि इनके बेसिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको जनरली फूड्स में दिखाते हैं आपको आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, ठीक है, किचन ऑन इंडिया, ये पी नेचुरल मिंट, ठीक है, कैंडी मैन, ये सभी इनके बहुत ही फेवरेट और बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल केयर में जाएंगे तो पर्सनल केयर में भी ये विवेल, फियामा, सुपीरिया, सैवलन, शावर टू शावर, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक अच्छी डिमांड मार्केट में कंज्यूमर के हिसाब से, विल्स लाइफ स्टाइल, जॉन प्लेयर, ये इनका बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो इनकी कैटेगरीज हैं जिनमें ये लोग काम करते हैं। सो बाकी इनका बिजनेस तो इतना बड़ा है कि आप लोग पूरे डिटेल में इनकी ग्रुप कंपनीज़ के बारे में देख लेते हैं। ITC इन्फोटेक, ठीक है, सूर्य नेपाल प्राइवेट लिमिटेड, लैंड बेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रसल क्रेडिट लिमिटेड, श्रीनिवास रिसोर्ट्स लिमिटेड, फॉर्च्यून पार्क होटल लिमिटेड, ठीक है। तो इनके बहुत सारे सब्सिडरीज भी हैं और इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त डाइवर्सिफाइड है। अगर आप देखेंगे पेपर एंड स्पेशलिटी पेपर्स के सेगमेंट में आप देखेंगे तो ये लोग पैकेजिंग बोर्ड, स्पेशलिटी बोर्ड, ग्राफिक बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स वगैरह बनाते हैं। एग्री बिजनेस में भी इनका जो रेंज है वो काफ़ी वाइड है और वहाँ पर ये फीड इन्ग्रीडियंट्स हैं, सोया मील्स वगैरह, फूड ग्रेन्स, मरीन प्रोडक्ट्स वगैरह, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह ये लोग बनाते हैं। सो ओवरऑल इनका एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और सबसे अच्छी बात डाइवर्सिफाइड कंपनी के साथ ये होती है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट वीक हो रहा है ग्लोबली तो दूसरा सेगमेंट जो है वो उसको कवर अप कर देता है। और इसीलिए हम लोग जनरली पोर्टफोलियो में भी यही मानते हैं कि हमें अपना पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड बनाना चाहिए। लेकिन अगर हमारा निवेश एक ऐसी कंपनी के अंदर है जिसका बिजनेस ही डाइवर्सिफाइड है सो डेफिनेटली वहाँ पर आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में उनका निवेश होता है, उनका वर्क होता है। तो अगर एक सेगमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर आता है तो दूसरा सेगमेंट उस चीज़ को कवर अप कर देता है, उससे जो प्राइस होता है स्टॉक का वो सस्टेन करता है और पॉजिटिव मोमेंटम में रहता है हमेशा। तो ये ITC एक ऐसा ही काउंटर है जिसमें अगर आप लोग निवेश करते हैं तो आपका निवेश सुरक्षित है और ये एक ऐसा शेयर बनेगा जो कि आपकी सभी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर देगा, चाहे वो आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ हों, चाहे वो आपके बच्चों की शादियाँ हों या आपको नया घर बनाना हो। तो अगर आप आज प्लानिंग करेंगे, अगर आज आप 30-35 के ईयर के हैं अगर आप, और आज अगर आप इस शेयर में 500 शेयर जो है इस काउंटर में निवेश करना प्रारंभ कर देते हैं तो अगले 20 सालों के अंदर जब आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी होगी, बोनसेस मिलते हैं, ठीक है, डिविडेंड्स मिलते हैं, तो आपके पास इतना भरपूर पैसा पर्याप्त हो जाएगा केवल इसी काउंटर से कि आपकी जब आपका रिटायरमेंट एज आएगी तो आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी होंगी दोस्तों। तो ये हमने ITC के बारे में बात की, या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसकी प्रोडक्ट रेंज है, इन प्रोडक्ट रेंज को आप देख सकते हैं, ITC होटल्स, एफबीन, सोयाबीन, ये सनबीन, सनफिश, यप्पी, डार्क फैंटेसी, फियामा, विवेल, सेल, गमॉन, सुपीरिया, मिंटो, तो आप बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे लोग आशीर्वाद आटा ही खाते हैं, जॉन प्लेयर, ठीक है, सैवलन, तो इतने फेमस प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के कि मॉम्स मैजिक बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, कैंडी मैन बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है इनका, तो इनके प्रोडक्ट्स अच्छे खासे पॉपुलर है कंज्यूमर्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसमें निवेश करेंगे तो आपका पैसा एक तो सेफ
कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। मार्केट में आप देखेंगे कि कितना बड़ा फॉल आया, कितनी बड़ी गिरावट आई, बट आईटीसी ने बहुत ज़्यादा कुछ पैनिक सिचुएशन फेस नहीं की। 320 जो उनका रेंज है उसी रेंज में ट्रेड करता रहा, 250 से लेकर 324 उसका रेंज है और उसी रेंज में काउंटर ट्रेड कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये काउंटर 250 से बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। सो सेफ एंड है कि अगर आप 240 से 250 की रेंज में अगर इस काउंटर में निवेश करते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और 320-325 के पास आप चाहें तो पार्शल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड वंस 325 से ऊपर एक बार क्लोजिंग आती है काउंटर में, देन आप फिर 400 के टारगेट्स के लिए इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रख सकते हैं। सो दोस्तों, ये हमने ITC के बारे में बात की, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। कुछ आपको ITC के बारे में, ITC कंपनी के बारे में क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ आपके पास सुझाव हो तो शेयर कर सकते हैं और वीडियो को पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।